हर रोज की तरह आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मटन लीवर ग्रेवी। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान और सिंपल है, खाने में उतनी टेस्टी होती है। दोस्तों, रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है मटन लीवर। इसका वेट है 500 ग्राम। आधा के जी लीवर को अच्छे से अब धो लेंगे। इसको धोने का प्रोसेस इस तरह है कि इसमें 1 चम्मच आपने नमक डालना है। नमक के साथ ही आपने दोस्तों थोड़ा सा विनेगर या नींबू डाल करके अच्छे से 2 से 3 टाइम धोना है, तभी इसमें से अच्छे से इसका स्मेल जाएगा और बहुत अच्छे से साफ होता है। कितना अच्छे से साफ हुआ देखिए, पूरा रेड कलर जा चुका है। अब इसके साथ ही हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को काटा है। प्याज बारीक स्लाइस जैसा आप चाहे वैसा काट सकते हैं। इसके साथ लिया हमने लहसुन खूब सारा कटा हुआ, हरा धनिया और अदरक। इसके साथ ही हमने 2 टमाटर का पेस्ट रेडी किया है। पेस्ट या काट के भी ले सकते हैं आप चाहे तो, बारीक काटना है। हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। कढ़ाई थोड़ा गर्म होने के बाद हमने लिया इसमें 3 चम्मच रिफाइंड तेल। आप रिफाइंड तेल की जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने 3 चम्मच लिया है। अब लेंगे कुछ खड़े मसाले, आपको डिस्प्ले पे शो कर रहे होंगे। सभी प्रकार के थोड़े थोड़े खड़े मसाले डाल दें, इससे इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और इसको अच्छे से क्रैक होने का वेट करें। जैसे ये क्रैक होता है, अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक और इसके साथ ही लहसुन को डाल देंगे जो हमने स्लाइस में काट के रखा था। इसको भी हमने थोड़ा सा लगभग 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तेल ज़्यादा गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी कलर आ जाता है इसमें, ध्यान रहे इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो बाकी प्रोसेस चालू रखना है। अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हमने लगभग 2 से 3 मिनट तक, या जब तक आप इसको फ्राई करें जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और इसको फ्राई करते समय मीडियम टू हाई फ्लेम का इस्तेमाल करें और कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करें, इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो देखिए लगभग 4 मिनट में इतना कलर आ चुका है। अभी भी हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। प्याज अब फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पूरी ईमानदारी के साथ इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जिससे ग्रेवी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट को हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, 1 से 1.5 मिनट इसको भी चलाते हुए पकाएं। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इससे। आप पेस्ट की जगह काट के या कूट के भी ले सकते हैं, बट अगर ग्रेवी बना रहे हैं तो पिसा हुआ सबसे बेस्ट रहता है। आप भी इसी तरह से करें। ये भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटे चम्मच से लिया है। जितना हल्दी लिया है उतना हमने मिर्च लिया है। मिर्च आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और इसके साथ हमने लिया है 1 चम्मच धनिया, धनिया बड़े चम्मच से लिया है, धनिया थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, जीरा पाउडर डालने से इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। ये भुना जीरा पाउडर है, और हम इसको 30 से 35 सेकेंड तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने डायरेक्ट तेल में डाला है तो ये काफ़ी जल्दी कलर आ जाता है इसमें, ध्यान रहे जलना नहीं चाहिए। मसाले पकने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे। अब दोस्तों इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद तुरंत ही आपने इसमें नमक को डालना होगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करें, और ध्यान रहे लीवर फ्राई करते समय हमने उसमें भी थोड़ा नमक डाला है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो नमक ज़्यादा हो सकता है। अब हम इसको 2 मिनट तक इसी तरह से खुले में चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि टमाटर काफ़ी अच्छे से पक जाएंगे और इसका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा। पकाते समय हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है। अब दोस्तों इसको हम ढक के पकाएंगे 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम में। तब तक हम बाकी तैयारी करते हैं। एक फ्राई पैन को ले लिया है। फ्राई पैन को थोड़ा हीटअप होने के बाद 2 छोटे चम्मच तेल लिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का जैसे ही गर्म हो अब हम इसमें लीवर को ऐड कर देंगे। लीवर धोने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी छन्नी के ऊपर रखना है, जिससे कि इसमें
पानी जो होगा वो चला जाएगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्दी, जितना हल्दी लिया है उतना ही लाल मिर्च को ले लेंगे, और थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान रहे, पहले हमने ग्रेवी में भी डाला है उसी हिसाब से डालना है, नमक ज़्यादा ना डालें। और इसको टॉस करते हुए अच्छे से फ्राई करें। इसको फ्राई करने के लिए 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई होगा ये भी। अभी जैसे ही ये गर्म होता जाएगा वैसे ही लीवर हार्ड होता जाता है। देखिए लगभग 5 मिनट फ्राई कर लिया है हमने, थोड़ा और करेंगे। टोटल 7 मिनट फ्राई किया है, लीवर का कलर बहुत चेंज हो चुका है। अब हम इसको साइड में लेके ग्रेवी को देख लेते हैं। ग्रेवी को लगभग हमने 7 से 8 मिनट पका दिया है, और हमने इसको लो फ्लेम में पकाया है। एक बार अच्छे से चला लेंगे, बिल्कुल भी लगा नहीं है, बीच बीच में आप चेक करते रहें, इसको जलना नहीं चाहिए। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हमें इसमें ऐड कर देंगे मटन लीवर को। आप चाहे तो इसका तेल सेपरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रेवी में डालें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है तो किसी छन्नी की मदद से लीवर को सेपरेट करके लें और ऑयल को हटा दें। इसको हम थोड़ी देर इसी तरह से ढक के पकाएंगे, 7 से 8 मिनट लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे, जिससे कि अच्छे से मसालों का टेस्ट अंदर तक चला जाए। 8 मिनट के बाद देखिए मटन लीवर बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें से कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जैसे कि कटा हुआ जो लहसुन था ये, और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा धनिया पत्ता। हमने अभी थोड़ा ही डाला है, बाकी बाद में ऐड करेंगे, और इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह खुले में चलाते हुए पकाएंगे। अभी गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक इसको चलाते हुए पकाना है। 2 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मटन मसाला। मटन मसाला ना हो तो आप गरम मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और हमने लिया है थोड़ा सा गरम पानी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी थिक ग्रेवी बनाएं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको अच्छे से उबाल आने का वेट करें। गैस का फ्लेम हाई करके रखा है और खूब सारा धनिया डाल दिया है, ये इसका फाइनल स्टेप है। अब देखिए दोस्तों हमारा मटन लीवर ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसको ढक के 5 मिनट वेट करें, 5 मिनट के बाद इसका कलर और टेस्ट लाजवाब आएगा। तो देखिए रेडी है सर्व के लिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे।